हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा। सो यहाँ जितने भी लोग के पॉप फैन हैं, स्पेशली एक्सो के, तो वो लोग हैप्पी हो जाएंगे, बिकॉज आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें मेन एक्टर हमारे एक्सो के मेम्बर काय है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। बट हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड किम इन ह्योंग से, जो कि बैंक में अपनी जॉब कर रहा था। बट देन हमें पता चलता है कि ये तो 5 सालों से अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है और जॉब के इंतज़ार में बड़े आराम से बैंक के बाहर सो रहा था। तभी वॉचमैन आकर उसे वहाँ से भगा देता है, जिसे देख कर किमिन वॉज लाइक, हाँ तो जा रहा हूँ ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम अपने बेटे की जॉब के बारे में कॉल करके सभी को बता रही थी, क्योंकि किमयून ने उसे झूठ बोला था कि उसकी जॉब लग चुकी है। वेल, मॉम किमयून को कॉल करके उससे पूछती हैं कि वैसे बेटा तुम्हारी सैलरी कब आएगी, क्योंकि तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में ना मैं सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। जिसे सुनकर किमयून वॉज लाइक, ओ तेरी, मैंने जॉब का तो झूठ बोल दिया बट सैलरी का क्या करूँगा, क्योंकि जॉब में तो पैसे भी मिलते हैं। गॉड, तुसी ग्रेट हो, प्लीज़ मेरी जैकपॉट लगवा दो। तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाता है कि चोर चोर, पकड़ो इसे, और हमारा किमयून हीरो बनते हुए उसे पकड़ भी लेता है। वेल, ये है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नाम है हा चोको। आई नो कि थोड़ा अजीब है, बट यही है। वेल, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है बट किमयून नहीं छोड़ता। चोको कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम्हें आइडिया भी है तुम ये क्या कर रहे हो। किमयून कहता है, हाँ बिल्कुल, एक चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, और क्या। तभी वो नोटिस करता है कि वो बंदा तो सामने से गायब हो गया एंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसे सुनकर किमयून वॉज लाइक, जिसे देख कर किमयून वॉज लाइक, प्लीज़ अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वो पैसे तुम्हारे थे एंड चोर भी तुम नहीं बल्कि वो था, क्योंकि ये सब तो बस ड्रामास में होता है, राइट। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, अच्छा तो मतलब ये ड्रामा नहीं तो क्या रियल लाइफ है। चोको कहती है, मेरी शॉप बैंकक्रप्ट होने वाली है एंड उन पैसों से मैं अपनी दुकान को बचाना चाहती थी बट तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो अब मैं तुम्हारा क्या करूं। जिसे सुनकर किमयून वॉज लाइक, बेटा किमयून, तेरे तो लग गए, तो अब चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना तेरा क्या होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता। बट चोको उसे रोकते हुए कहती है कि ओए मिस्टर, कहाँ चले, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। एंड देन उसे अपने साथ अपनी शॉप लाती है, जिसका नाम है चोको बैंक। चोको कहती है, तुम क्या काम करते हो और मेरा पैसा कब तक वापस करोगे। ह्यूमन कहता है, ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जॉब करता हूँ, बट आई एम जॉबलेस, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझे मार डालो, जस्ट किल मी। एंड चोको वॉज लाइक, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है कि आज से तुम मेरी शॉप में काम करोगे जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते, और हाँ वो भी फ्री में। किमयून कहता है, अगर मैं मना कर दूँ तो। चोको थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि तो फिर मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊँगी कि तुम तैयार होकर घर से तो ऑफिस जाने के लिए निकलते हो बट ऑफिस तक पहुंचते ही नहीं, बिकॉज यू आर जॉबलेस, क्योंकि तुम बेरोजगार हो। और फिर क्या था, जिसके बाद तो किमयून को ना चाहते हुए भी उसकी शॉप में काम करना पड़ता है। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि आज से 3 महीने पहले चोको ने अपनी शॉप खोली थी जहाँ काफ़ी सारे कस्टमर्स आया करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चोको की इमेजिनेशन में, क्योंकि इन रियलिटी वहाँ इंसान तो क्या, एक मक्खी भी नहीं आती थी, जिस वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा हो जाता है एंड वो अपने लैंडलेडी को शॉप का किराया भी नहीं दे पाती।
तो वो उसे जबरदस्ती बैंक में लोन लेने के लिए भेज देती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे बैंक में देखते हैं जहां बैंक एम्प्लॉय उसका नाम सुनकर हंसने लगती हैं। चोको कहती है, आप क्यों हंस रही हैं? वो कहती है, मैं कहाँ हंस रही, मैं नहीं हंस रही। एंड देन फिर से हंसने लगती हैं। चोको कहती है, आप मेरे नाम पे हंस रही हैं ना? वो कहती है, एक्चुअली आज मुझे एक फनी बात याद आ गई तो मैं उसी को सोचकर हंस रही हूँ, आपके नाम पर नहीं। एंड अगेन जोर जोर से हंसने लगती हैं और चोको को देखते हुए कहती हैं कि एक्चुअली मुझे ना हंसना पसंद है। एंड चोको वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है, उठा ले भगवान मुझे इस दुनिया से। प्रेजेंट में किम्यून उससे फाइनेंशियल नॉलेज एंड बिजनेस प्लान्स के बारे में पूछता है, बट चोको को कुछ भी नहीं पता होता तो वो वहाँ से जाने लगता है। चोको उसे रोकते हुए कहती है कि क्यों ना हम पार्टनर्स बन जाएं? मैं शॉप के लिए चॉकलेट्स बनाऊंगी और फाइनेंशियल मैटर्स तुम संभालना, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% मैं रखूंगी और 30% तुम्हें दे दूंगी, क्यों, आइडिया अच्छा है ना? बट किम्यून वॉज लाइक, अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि एक हैंडसम एंड इंटेलिजेंट लड़का जो पिछले 5 सालों से जॉब ढूंढ रहा है वो तुम्हारा पार्टनर बने? बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, भाई काय, या आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? चोको कहती है, चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं तुम्हें प्रॉफिट का 40% दूंगी, अब बनोगे मेरे पार्टनर? किम्यून कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, 50% तुम्हारा और 50% मेरा, बट इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। थोड़ा सोचने के बाद किम्यून कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझे अपने प्रॉफिट का 100% भी दोगी ना, तब भी मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बनूंगा। एंड वहां से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम मैसेज करती है कि मैंने कोरिया के सबसे महंगे होटल में तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में रियूनियन पार्टी रखी है। वेल, अब क्योंकि किम्यून के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो वो चोको का पार्टनर बनने के लिए रेडी हो जाता है, बट सिर्फ 1 महीने के लिए, जिसे सुनकर चोको काफ़ी हैप्पी हो जाती है। किम्यून जब उसे ऑनलाइन एडवांटेजेस एंड इंटरनेट बैंकिंग के बारे में समझा रहा होता है तो उसे ना तो कुछ समझ आता है और ना ही वो ठीक से कंप्यूटर चला पाती है, जिसे देखकर किम्यून वॉज लाइक, तुम मॉडर्न वर्ल्ड में पैदा हुई हो या जोसन इरा में जो तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता? वेल, यहाँ हमें इन दोनों के बीच में थोड़े बहुत रोमांटिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं। शॉप में किम्यून जब कुछ गर्ल कस्टमर्स की हेल्प कर रहा था तो ये देखकर चोको काफी जेलस होती है क्योंकि वो सभी उससे फ्लर्ट कर रही थी। किम्यून एक केक को देखकर कहता है कि माना कि तुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बट क्या पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अनपढ़ है क्या? क्योंकि आई एम किल यू नहीं बल्कि आई विल किल यू होता है। जिसे सुनकर चोको वॉज लाइक, हाँ हाँ तो क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ तुम ही पढ़े लिखे हो? मैंने भी ना अपनी कॉलेज फ्रांस से की है। हाँ वो अलग बात है कि मुझे कुछ आता नहीं, और रही बात इसकी तो मैंने इसमें आई विल किल यू ही लिखा था, बट क्रेम फैलने की वजह से एल एम बन गया, तो इसमें मैं क्या करूँ? एंड किम्यून वॉज लाइक, चल झूठी, जब सर पढ़ा रहे थे तो तू पीछे बैठकर च्युइंगम चबा रही थी क्या? तभी वहाँ एक कस्टमर आकर चोको पर गुस्सा करने लगता है तो किम्यून उसकी हेल्प करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो बंदा तो भाई उल्टा उसी पे गुस्सा करने लगता है। और जब चोको नोटिस करती है कि उसने किम्यून के ऊपर हाथ चलाया तो जैसे उसके अंदर काली माता आ जाती हैं और वो आई एम किल यू केक को ले जाकर सीधा उसके मुंह पे मारती है, जिसके बाद तो उस कस्टमर का रिएक्शन देखने लायक था। वेल, उसके जाने के बाद किम्यून काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि वो पिछले 5 सालों से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है बट उसे आज तक जॉब नहीं मिली। तो चोको उसे अपनी एक फनी स्टोरी सुनाते हुए हंसाती है और कहती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो,
बट हमें हमेशा चॉकलेट की तरह रहना चाहिए, स्वीट एंड हैप्पी, मीठा और खुश। किमिन कहता है तो ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुम्हारी लाइफ को स्वीट एंड हैप्पी बनाऊँगा। जिसे सुनकर चोको शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मगर तुम ऐसा क्यों करोगे, वो भी मेरे लिए। बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तभी यहाँ ड्रामा के सेकंड में लीड दालसु की एंट्री होती है, जो आते ही चोको को हग कर लेता है और कहता है कि लूना, मैंने आपको काफ़ी मिस किया, आई रियली मिस यू सो मच लूना। जिसे देखकर किमिन बॉस लाइक, ये इतना चिपक क्यों रहा है, बात तो दूर से भी कर सकता है। एंड चोको बॉस लाइक, रे पागल, छोड़ मुझे, वरना वो हम दोनों को ऐसे देखकर कुछ और ही समझ लेगा, और मैं नहीं चाहती, बिकॉज आई लाइक हिम। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। Stay safe and healthy. Bye-bye.